आज मैं आपको बताऊंगी गेहूं के आटे से बनने वाली ये मजेदार रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और मिनटों में बनकर ये रेडी भी हो जाती है। तो आइए बिना देरी के अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार लिया है, उसमें मैं ऐड करूंगी एक कटोरी गेहूं का आटा, एक चम्मच बेसन, बेसन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं तीखा बनाने के लिए इसको कुछ मसाले, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और कलर के लिए इसमें ऐड करेंगे हम ये हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हींग। हींग से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा नमक, और अब इसे चटपटा बनाने के लिए हम ऐड कर रहे हैं इसमें एक नींबू। तो नींबू से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा कटोरी पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्सी जार में पीस लेंगे। एकदम पतला घोल आपको बनाना है। देखिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से पतला होना चाहिए, इस तरह से पतला घोल होना चाहिए। अगर आपका घोल पतला नहीं है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। और ये अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक पिंच खाने वाला सोडा, और इस तरह से हमें इसे मिक्स कर देना है। और अगले स्टेप में मैंने ये थाली ली है, थाली पे अच्छे से आपको ऑयल लगा लेना है, और ये जो मिक्सचर बनाया था इसको आप इसमें डाल देंगे। पतला घोल बनाना है आपको एकदम थाली में। और एक कढ़ाई में एक गिलास पानी लेंगे और पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे। तो देखिएगा हमारा पानी भी बॉईल होने लग गया है। तो ये जो मैंने थाली में मिक्सचर डाला था आप इसको रख दीजिएगा और 3 मिनट के लिए ढककर पका लीजिएगा। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। तो 3 मिनट हो चुके हैं और इसे पकड़ से साइड से रख दीजिएगा और ठंडा होने दीजिएगा। जब तक मैं क्या करूँगी, एक मिक्सचर मैंने दूसरी थाली में डाल लिया था, थोड़ा सा बचा हुआ था, उसे भी 3 मिनट के लिए ढक के पका दूंगी। और उसके बाद मैंने ये जो थाली पहले हमारी जो बनकर रेडी हो चुकी है, तो इस तरह से हमें इसके पीसेस कट कर लेना है, साइड से किनारों से भी इसे चाकू की सहायता से कर लेना है। और इसके अब हम रोल बनाएंगे, तो इस तरह से इसके रोल बनाइएगा। तो देखिएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ, बिल्कुल आसानी से ये निकल जाते हैं। और देखिए दिखने में कितने ही सुंदर दिख रहे हैं और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और झटपट बनकर रेडी भी हो जाता है। बिल्कुल 5 मिनट लगे हैं मुझे तैयार करने में पूरा इसे, और 3 मिनट में तो ये पककर रेडी हो जाते हैं। आप इसे टमेटो केचप हरी चटनी से ऐसे भी खा सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो ये मैंने रोल सारे रेडी कर लिए हैं। अब इन रोल्स को तीखा बनाने के लिए हम इसका तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें ऐड किया है 1 चम्मच ऑयल, थोड़ी सी राई, और राई जब चटक जाएगी तो मैंने ये हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, तो इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। कलर के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक ज़्यादा नहीं ऐड करना है, और अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। जैसे ही कलर चेंज हो जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये सारे रोल्स और 2-3 मिनट के लिए इसे ढक दूंगी। जैसे ही 2-3 मिनट हो जाते हैं तो आपको इसे एक चम्मच की सहायता से इस तरह से उलट पुलट कर देना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है 3-4 मिनट तक। जैसे ही 3-4 मिनट हो जाए तो अब ये रेडी हो चुके हैं। और इसमें हरा धनिया अच्छे से छोटे छोटे बारीक पीसेस में कट करके डाल दिया है और ये हमारे रोल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसे चाहे तो टमेटो केचप, हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।